हेलो दोस्तों, वेलकम अगेन। आज अपन पढ़ेंगे वर्ण। संधि समास उपसर्ग प्रत्यय की शुरुआत वर्ण से होती है, अतः आपसे निवेदन है कि आप अगर संधि पढ़े समास पढ़े तो एक बार इनको पढ़ लें, क्योंकि अपनी स्कूली शिक्षा की शुरुआत ही वर्ण से होती है। कह कह गए से तो आपसे निवेदन है कि सबसे पहले यह वीडियो देखें, उसके बाद आप संधि और समास पढ़ें। उपसर्ग प्रत्यय सभी में ये काम आते हैं, क्योंकि अतः वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा अक्षर कौन सा होगा, पहला दूसरा अक्षर कौन सा होगा। जब आप यह पढ़ोगे तब आपको पता चलेगा कि अपन तीसरा चौथा पांचवा किसके लिए लिख रहे हैं और पहला दूसरा किसके लिए लिख रहे हैं। तो शुरुआत करें आज वर्ण की। वर्ण क्या होता है? वर्ण होता है वर्णमाला। हिंदी वर्णमाला की वह छोटी से छोटी ध्वनि, न कि कोई शब्द वाक्य। हिंदी वर्णमाला की वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके बिना जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं, वर्ण कहलाता है। हिंदी वर्णमाला की वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और अधिक टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं, वर्ण कहलाता है। ध्वनि है ना, न कि कोई शब्द वाक्य। हिंदी वर्णमाला की वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और अधिक टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं, वर्ण कहलाती है। वर्णों का व्यवस्थित रूप क्या कहलाता है? वर्णमाला। हिंदी वर्णमाला की वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं, उसे तो हम कहते हैं वर्ण, और वर्णों का व्यवस्थित रूप कहलाता है वर्णमाला। नेक्स्ट क्या पढ़ा अपन ने? वर्णों का व्यवस्थित रूप क्या कहलाता है? वर्णमाला। और वर्णों की संख्या कितनी होती है? 44। वर्णों की संख्या कितनी होती है? 44, लेकिन हिंदी बाल पोथी में है 49। हिंदी बाल पोथी में कितने हैं? 49। और हिंदी देवनागरी लिपि में कितनी है? 52। हिंदी देवनागरी लिपि में है 52। वर्णों की संख्या होती है 44। हिंदी बालपोथी में 49 और देवनागरी लिपि के अंदर है 52। अब पढ़ेंगे वर्ण के भेद। वर्ण के दो भेद होते हैं, एक तो स्वर और दूसरा व्यंजन। कौन कौन से है? स्वर और व्यंजन। स्वर वह वर्ण जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जा सके, स्वर कहलाते हैं। वह वर्ण जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जा सके क्या कहलाते हैं? स्वर। स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11। हिंदी वर्णमाला में वह वर्ण जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जा सके, स्वर कहलाता है। स्वरों की संख्या होती है 11। कौन कौन से? ए आ ई उ री ए ऐ ओ औ। ठीक है ना? लेकिन एक शब्द ध्यान रखना, ये अपन ने बारकड़ी की वो आती है बुक, वो वहाँ से उठाया ये वाला सीन। ध्यान रखना, स्वरों की संख्या होती है 11, लेकिन मात्राओं की संख्या कितनी होती है? 10। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, स्वरों की संख्या कितनी? 11। मात्राओं की संख्या कितनी? 10। क्योंकि अ एक ऐसा स्वर होता है जिसकी कोई मात्रा नहीं होती है। अ एक ऐसा स्वर होता है जिसकी कोई मात्रा नहीं होती है। स्वर के भेद। स्वर कितने प्रकार के होते हैं? स्वर दो प्रकार के होते हैं, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। जिनकी मात्राएं छोटी होती है वो ह्रस्व स्वर को अपन कहते हैं लघु स्वर और मूल स्वर। ह्रस्व स्वर को और क्या कहते हैं? लघु स्वर या मूल स्वर। कौन कौन से? ए ई उ री। कितने होते हैं टोटल? टोटल होते हैं 4। ए ई उ री टोटल कितने होते हैं? 4। दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर कितने होते हैं? दीर्घ स्वर होते हैं 7। कौन कौन से? दीर्घ स्वर जिन्हें हम गुरु स्वर या संधि स्वर भी कहते हैं। दीर्घ स्वर को क्या कहते हैं? गुरु स्वर, संधि स्वर। कौन कौन से? आ ई उ ए आई ओ औ। टोटल 7।
सेवन और फोर इलेवन, टोटल कितने हो गए स्वर इलेवन, ठीक है ना। ये आप ध्यान रखना, ये काम आएंगे संधि के अंदर। अब अपन नेक्स्ट पढ़ेंगे व्यंजन। स्वर कितने प्रकार के होते हैं? स्वर दो प्रकार के होते हैं, दीर्घ स्वर, लघु स्वर, ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर कितने होते हैं? चार। दीर्घ स्वर कितने होते हैं? सात। व्यंजन उच्चारण स्वतंत्र रूप से न होकर स्वरों की सहायता से हो तो उन वर्णों को क्या कहेंगे? व्यंजन। वे वर्ण जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से न होकर स्वरों की सहायता से हो उन्हें हम कहते हैं व्यंजन। टोटल कितने होते हैं? 33। स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन आगे पढ़ेंगे, टोटल होते हैं 25। स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं? 25। अंतस्थ व्यंजन चार, कौन कौन से? ये, रे, ल, व, इनको, ये तो हो गया, इसमें ए के साथ में ये हलंत कर दिया, मतलब इसके साथ में ए एड नहीं है, अगर ए और जोड़ दिया जाए तब अपन लिखते हैं ये वाला ये, है ना। स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं? स्पर्श व्यंजन होते हैं 25। अंतस्थ व्यंजन चार, ये, रे, ले, व। उसमें व्यंजन, उसमें व्यंजन होते हैं चार, कौन कौन से? श, श, स और ह, स, श, स, ह, टोटल चार। 25, चार, 28, चार, 33। व्यंजन कितने हो गए? 33। स्वर कितने हो गए? 11। टोटल 44। अब अपन पढ़ेंगे स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन, स्पर्श का अर्थ होता है छूना। वह वर्ण जिनका उच्चारण करते समय, वह वर्ण जिनका उच्चारण करते समय मुख के दो भाग आपस में छूते हैं, वह वर्ण जिनका उच्चारण करते समय मुख के दो भाग आपस में स्पर्श करते हैं उन्हें कहते हैं स्पर्श व्यंजन। किन्हें कहेंगे? मुख का जो दो, जिनका उच्चारण करते समय मुख के दो भाग आपस में छुएंगे उन्हें कहते हैं स्पर्श व्यंजन। कितने होते हैं? 25। अब 25, इनमें भी पहला है क वर्ग, दूसरा है च वर्ग, तीसरा है ट वर्ग, चौथा है त वर्ग और पांचवा है प वर्ग। 5 × 5 कितने? 25। क वर्ग में कौन कौन से आएंगे? अगर क वर्ग लिखा हुआ है कहीं पर, उसका मतलब है क ख ग घ अंग, क ख ग घ अंग। च वर्ग लिखा हुआ, इसका मतलब होगा च छ ज ज ञ। ट वर्ग का मतलब ट ठ ड ड ण। त वर्ग का मतलब त थ द ध न। प वर्ग का मतलब प फ ब प म। मतलब इन पांचों को न लिखकर सिर्फ प वर्ग भी लिख सकते हैं। अब अतः क वर्ग का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो क वर्ग का उच्चारण स्थान है कंठ, च वर्ग का तालु, ट का मुर्दा, द का त का दंत, प का ओष्ठ। प वर्ग का उच्चारण स्थान ओष्ठ, त का दंत, ट का मुर्दा, च का तालु, क का कंठ। आ गया समझ में स्पर्श व्यंजन? इससे बहुत क्वेश्चन आता है। अब ये पूछा जाएगा कि वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा अक्षर कौन सा है? तो आपको ध्यान रखना, एक का मतलब क च ट त प, दूसरा मतलब ख छ ठ थ फ, तीसरा मतलब घ ज ड द भ। इसे आपको याद रखना, चौथा कौन सा, पांचवा कौन सा, ण य ण म न म, है ना। क्योंकि आगे अपन ऐसे ही लिखेंगे, वर्ग का पहला दूसरा अक्षर, वर्ग का पहला तीसरा पांचवा अक्षर ऐसे लिखेंगे, संधि में भी यही करेंगे। तो आपको मैं यही कंफर्म कर रहा हूँ कि पहला मतलब क च ट त प, ऐसे ही दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। स्पर्श व्यंजन बहुत ही इम्पोर्टेंट है संधि के हिसाब से, है ना। यहाँ इससे क्वेश्चन नहीं आते वर्ण में। अब आते हैं संयुक्त वर्ण। दो वर्णों के मेल से बने होते हैं संयुक्त वर्ण। कितने अक्षरों के मेल से बने होते हैं? दो अक्षरों के। मैंने तीन क्यों लिखा? तीन इसलिए लिखा कि ये तीन होते हैं, 1 2 3।
संयुक्त वर्ण कितने होते हैं? तीन। कौन कौन से? क्ष त्रय गण्य। क्ष त्रय गण्य, क्ष मतलब क और ष दोनों मिलकर बना होता है क्ष, त्रय त और र दोनों मिलकर बनता है त्रय, य ज और य मिलकर बना होता है ज्ञ, है ना, क्ष त्रय गण्य। क और स से त और र से त्रय, ये गण्य, ज और य से य। अयोगवाहक वर्ण, अयोग मतलब जिनका योग न होते हुए भी साथ साथ चलते हैं उन्हें कहते हैं अयोगवाहक। वे वर्ण जिनका योग न होते हुए भी साथ साथ चलते हैं उन्हें कहते हैं अयोगवाहक वर्ण। यह न तो स्वर है न ही व्यंजन। अयोगवाहक वर्ण न तो स्वर की गिनती में आते हैं न ही व्यंजन की गिनती में। कौन कौन से? अम है, अम का यूज कहाँ होता है? अनुस्वार के रूप में, ऐसे बिंदी के रूप में अम का, और विसर्ग संधि के रूप में यूज होता है अह का। देखो, वे वर्ण जिनका योग न होते हुए भी साथ साथ चलते हैं, जो न तो स्वर है न व्यंजन है, किंतु हिंदी शब्दकोश की शुरुआत इन्हीं वर्णों से मानी जाती है। हिंदी शब्दकोश जो हिंदी डिक्शनरी है उसकी शुरुआत अम अह से ही होती है। हिंदी शब्दकोश की शुरुआत किससे होती है? अम अह से। उत्क्षिप्त वर्ण, उत्क्षिप्त वर्ण जिसके नीचे बिंदी लगी हुई होती है ड और ड के नीचे, यहाँ पर भी है ड, लेकिन ये उत्क्षिप्त में नहीं आते हैं। जिसके नीचे बिंदी लगी हुई होती है वो है उत्क्षिप्त वर्ण। जैसे पढ़ाई, लड़ाई, पकड़ना, इनमें जो ये है ना, ये है उत्क्षिप्त वर्ण। कौन कौन से होते हैं उत्क्षिप्त वर्ण? दो होते हैं ड और ड। दूसरा है घोष और अघोष, घोष वर्ण और अघोष वर्ण। घोष वर्ण वो होते हैं, घोष वर्ण किसे कहते हैं? वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा यह र लव है को कहते हैं घोष वर्ण। अब देखो, वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा मतलब यह वाला पोर्शन, इनको कहते हैं घोष वर्ण, ठीक है। अघोष वर्ग का पहला दूसरा ये वाला, इनको कहते हैं अघोष वर्ण। और इनके साथ में उष्म वर्ण, उष्म वर्ण कौन कौन से? उष्म वर्ण श श श है, श श श, उष्म वर्ण भी आ गए श श और स। अब दूसरा होता है अल्प प्राण महाप्राण, ये तो आपको समझ में आ गया। घोष कौन कौन से? तीसरा चौथा पांचवा यह रलव है। अघोष वर्ण कौन से? श श है। अल्प प्राण और महाप्राण, अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प प्राण में कौन कौन से? एक तीन पांच, एक तीन पांच यह रलव और स्वर, टोटल कितने हो गए? 30। अल्प प्राण में कौन कौन से? एक तीन पांच, एक ये वाले, तीन ये वाले, एक तीन पांच, एक तीन और पांच, अल्प प्राण, उसके साथ में ये र लव और स्वर। महाप्राण में दूसरा और चौथा ये वाला और ये वाला, उसके साथ में श श श है, श श श और है, इसमें आएगा महाप्राण में। अल्प प्राण महाप्राण, अल्प प्राण, अल्प प्राण एक तीन पांच यह र लव और स्वर, महाप्राण दूसरा चौथा और श श श है, टोटल कितने हो गए? टोटल हो गए 14। वर्ग का दूसरा चौथा अक्षर और श श है, वर्ग का पहला तीसरा और पांचवा अक्षर, ठीक है। अपन ने आज क्या क्या पढ़ा? अपन ने पढ़ा वर्ण। वर्ण क्या होता है? हिंदी वर्णमाला की वह छोटी से छोटी इकाई, वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और अधिक टुकड़े नहीं किए जा सकते वर्ण कहलाते हैं। वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन।
स्वर दो प्रकार के, लघु स्वर, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर, है ना। ह्रस्व स्वर, लघु स्वर, मूल स्वर, इसके साथ साथ दीर्घ स्वर, गुरु स्वर और संधि स्वर। व्यंजन, व्यंजन कौन कौन से देखे अपन ने? स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और उष्ण व्यंजन। उसके साथ में अपन ने देखा अयोगवाहक वर्ण, उत्क्षिप्त वर्ण, घोष, अघोष, अल्प प्राण और महाप्राण। आप इसको दो बार देखिएगा, तीन बार देखिएगा, इसके बाद ही संधि पढ़िएगा, क्योंकि संधि में सीधा यही आएगा, स्पर्श व्यंजन के साथ ये लगता है, उष्म व्यंजन के साथ ये लगता है, अंतस्थ व्यंजन के साथ ये लगता है। तो आप ये तो ध्यान में रखिएगा कि उष्म व्यंजन में कौन कौन से आते हैं, अंतस्थ व्यंजन में कौन कौन से आते हैं, ये दोनों इम्पोर्टेंट है। एक है स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन कहाँ से कहाँ तक, कैसे लेकर मैं तक, कैसे लेकर मैं तक आएंगे स्पर्श व्यंजन में, है ना। स्वर व्यंजन कंप्लीट। आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद।